देखो पहला वाला तो नेगेटिव है, बना लिया होगा, इंपरेटिव का नेगेटिव नहीं है। आज सुन ना, क्या करेगा, सोल्व भी कर सकते हैं ना, ये ऑर्डर भी दिए तो ऑर्डर कर दो, जो कर दो। मी टू लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, इंपरेटिव का टू या नॉट टू, सही ना, नेगेटिव है ना, तो टू होगा, नॉट टू, साउथ इन द क्लब ना। आज समझ में, अगला देखो लेट बला, याद करो इंपरेटिव में भी लेट बला पढ़े थे ना, अच्छा क्या बोलते हैं नहीं कहते, वॉइस में भी लेट बला पढ़े थे ना, और नेसा में भी क्या मिलेगा तुमको, लेट बला, वही क्वेश्चन है। हां तरीका कुछ नहीं, ही को ही करेंगे, और सेट के बदले में दो चीज कर सकते हैं, जैसे पहले इफ या वेदर करते थे, या तो प्रपोज करो या तो सजेस्ट करो, मैं लिख दिए, या तो प्रपो इजी लगा करके B3 B2, या तो सजेस्टेड करो या तो प्रपोज्ड करो, जो लिखा रहा है क्या करते हैं, सजेस्ट की प्रपोज, जो करो सुन जो बोल प्रपोज्ड सजेस्टेड कर दिए, प्रपोज्ड कर दो, क्या जाता है, लो दोनों यो करना है, उसका नेगेटिव नहीं रहा है। अच्छा यहां देखो, याद रखना लेट वाला में लेट का कंटेंट यहां लिख दिए, लेट वाला में यही चार काम करेंगे, सेट के बदले में या सेट के बदले प्रपोज्ड या सजेस्टेड करेंगे, इनवर्टेड कॉमा के बदले डैट कैच करेंगे, जो तुम्हारा अस रहेगा तो बी हो जाएगा, और देव रहेगा तो दे हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद शुड का यूज करेंगे, मॉडल्स के मॉडल्स पर बनेगा, मॉडल्स में देखते हो कौन सा शुड वाला, तो देखो लेट गुठी लेट गुठी करेंगे, लेट हट जाएगा, लेट क्या होगा तुमको, अब डैट आ जाएगा ना, अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं यूज किया है, और ऑब्जेक्ट रहता अगर ऑब्जेक्ट का दिए है तेरे प्रपोज भी हो जाता, सजेस्टेड टू मी हो, सजेस्टेड भी हो जाता, तू नहीं करा, बस सीधा करो, वी हो जाएगा सीधा, तो क्या हो जाएगा, वी असुर लेट के बदले किसका यूज करने के लिए बोले, सुर का ना, हां लेट उड़ेगा तो सुर चढ़ेगा, अदाम चुके तो अगला बना खुद से, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो टू लगेगा, याद रखना चार रूल याद रखना, अगला में ऑब्जेक्ट है ना तो टू क्या होगा तुमको लगेगा, सेम है बस क्या लगेगा टू का खराब लगा ना, देखो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ क्या हमी है ना, बस सेम आंसर होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम ही सुना बन गया, लेट बार क्वेश्चन शायद एक दो बार पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं पिटाते सब बताते टाइप अप लग देते, देखो अगला ऑप्टेटिव है, जैसे इंपरेटिव था ना, ये होता है ऑप्टेटिव, सर ये क्या होता है ऑप्टेटिव, जैसे प्रार्थना कर रहा है भगवान से, उबला क्वेश्चन, इससे पहले क्या था ऑर्डर वाला था ना, रिक्वेस्ट वाला था ना, एडवाइस वाला था ना, लेट वाला था ना, एगो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव भगवान से प्रार्थना करेगा तो अपना इच्छा व्यक्त करेगा, किसको शराब दे देगा, किसको दुआ दे देगा, ये सब चीज को क्या कहा जाता है, समझ आएगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सर इसमें क्या सब यूज करेंगे, जैसे सेट के बदले में, सेट के बदले क्या क्या कर सकता है, अगर किसी को शराब दे दिया तब सॉरी दुआ आशीर्वाद दिया तो ब्लेस, मान लो अगर शराब दे दिया है तो कर ना, और भगवान से प्रार्थना कर रहा था किसका यूज करेंगे, प्रे, और तुम इच्छा जाहिर कर रहा था किसका करेगा, विश, पॉइंट समझ आ गया, लेस कर सकता कर सकता है, और एक दूसरा है नहीं काफी है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, तो देखो यहाँ करते भी चलते हैं, करते भी चलते, देखो इतना बाद में देखो, तो यहाँ ही लिखेंगे ना, अब सेट के बदले क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो, झुक झुक जी ने कहा है खूब जियो, हजार साल जियो, ऐसा होगा झूठे बोलते रहता है, एक साल में जियो 70 72 73 और तुम लोग का 60 में तबक जाएगा, ये चेक करना है कि मेरे अंतिम सरकार में तुम जाता है कि तुमने में हम कोई नहीं जाएगा, सब हम तुमने में जाएंगे, साथ होते होते बचपन में तुम तो ऊपर रहेगा, सबको बुलाते रहेगा, रे आओ ना रे विनोद, 20 साल में शादी होगा,
बिहार से मतलब नहीं है, 50 में करो, 60 में तो फ्यूचर में ऐसे होगा कि बिहार यहाँ नहीं होगा, ऊपर होगा। चलो देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है मेन तुम खूब जियो ना, खूब जियो के आशीर्वाद दे रहा ना। He blessed नहीं बी मी टू नहीं आता। बहुत सारा भर्ब ऐसा होता है, देखो भर्ब दो तरीके का होता है, ये बात नहीं पढ़ा होगा। एक होता है ट्रांजिटिव, कौन सा होता है मेन भर्ब की बात कर रहे हैं, कौन भर्ब मेन भर्ब दो टाइप होता है, एक ट्रांजिटिव एक इन ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव कहीं नहीं बताते, हाँ सच में नहीं बताते, जो तो क्या बताए बिना बात करते, एग्जाम नहीं पूछता है। ट्रांजिटिव होता है जो अपने बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, जो भर्ब अपने बाद क्या लेगा ऑब्जेक्ट लेगा वो क्या हो जाएगा मेन भर्ब की बात कर रहे हैं, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा वो सब क्या हो जाएगा। सर एक एग्जांपल दे, जैसे प्ले के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, कभी लिखा है प्ले टू क्रिकेट, प्ले टू वॉलीबॉल, सीधे प्ले क्रिकेट प्ले वॉलीबॉल, तो ये बताओ ट्रांजिटिव भर है कि इंट्रांजिटिव, अच्छा जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है बताओ, जैसे टॉप जिससे ही बात करेंगे क्या लगा सकते टॉप टू होता है, पॉइंट समझ आया। ऐसा सर मेन भर में बहुत भर मिलेगा तो बताओ, अच्छी बताओ प्ले अपने बाद क्या लेता है तुमको, ये टू है भाई टॉप टू है प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ सीधे क्या हो जाएगा अंतर समझ आया। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव अब कोई बताएगा तो नहीं, पहले से बता रहा है तुमको, ट्रांजिटिव अपनी बात क्या लेता है ऑब्जेक्ट लेता है, सॉरी अपने बात प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट दोनों में आ गया क्लोज से, जब ये यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो ये अदर वर्ड्स हो गया ना, बताओ ये दोनों मिल के अब क्या ऑब्जेक्ट रहा कि अदर वर्ड, ये खुद क्या रह गया, मतलब ट्रांजिटिव वर्ड अपने बाद कहना ही चाह रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ड अपने बाद प्रीपोजिशन लेता है, उसके बाद क्या आता है तुमको ऑब्जेक्ट वही आता है, ये अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं बताता है। यहाँ पे देखो जैसे सेड सेड बताओ ट्रांजिटिव वर्ड में किन ट्रांजिटिव है, देखो पहले प्रीपोजिशन है तब क्या है ऑब्जेक्ट है ना, तो बताओ कौन वर्ब हो गया ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव टी दिए बताओ, ये सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है नहीं, ये उल्टा उल्टा बता रहे ये क्या ठीक है, हम बता रहे क्या है ठीक ना, यहाँ उल्टा लिखिए हाँ उल्टा लिखे दिए यहाँ पे लिखिए उल्टे दिए ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है कैसे लेगा प्रीपोजिशन, वो तो ले तो कोई सकता है भाई ले तो सब प्रीपोजिशन, अब फिर क्या है तुमको पंचन है फिर पोजीशन आएगा तब क्या आएगा तुमको ऑब्जेक्ट, ये हो गया तुमको कौन सा ट्रांजिटिव प्ले हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आएगा वो, इसके बाद सीधे क्या आ जाएगा तुमको ऑब्जेक्ट, अब समझ आया ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं पहले क्या आएगा फिर पोजीशन है फिर क्या आएगा अब ये, अब समझ आया बता, जैसे प्ले के बाद आया क्या ऑब्जेक्ट होगा, अब बताओ जैसे प्ले क्रिकेट ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव है प्ले क्रिकेट सर ट्रांजिटिव हो गया ना, इसे बताओ ठीक है इसे बताओ, इसमें होगा टू टॉक होगा ना टॉक टू यू होगा ना टॉक टू यू, अब बताओ ये ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन है ना, तो क्या बताना चाहता है ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है लेकिन इन ट्रांजिटिव का वॉइस जब प्रीपोजिशन के साथ रहता है तो उठा के ले आता है, तो डायरेक्ट रहता है भर्ब की बात है ना उसको ऑब्जेक्ट मान के उठा के ले आता है, वही कहना चाहते हैं अच्छे से कोई दिक्कत है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव डायरेक्ट के ऑब्जेक्ट आएगा इंट्रांजिटिव प्रीपोजिशन के साथ आएगा, ये कांसेप्ट है अब बुझा, अभी क्या जगह यहाँ पे डायरेक्ट, अब देखो क्या करना सीधा करना सब लोग मॉडल से होगा, क्या करना सीधा सीधा करेंगे तो मैं यू क्या हो जाएगा सीधा में तो बाद में बोलो यू में ना बोलेंगे यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई मे का पास्ट क्या होगा यहां पेस्ट कर दो माय
लीव ये जो है एक्सप्लेनेशन ये हट जाएगा। देखो अब 35 सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है, लास्ट में कैसा रहेगा नाम कैसे जैसे इंट्रोगेटिव में कैसा रहता है यही देखने पहचान जाता है। तो आप क्या थी एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। दुख को थोड़े तुम दिखा सकता है कहो हमको 5 किलो परेशानी है, मेरे जीवन में 17 किलो दुख है ना। बोलेगा विनोद कहाँ के विनोद, विनोद 18 किलो बेरोजगार है, मजबूर है सर 25 किलो है। सुना विनोद, विनोद के वीडियो से पैसा आ रहा है 50 रुपया हो गया होगा विनोद के वीडियो से। इसलिए विनोद जब तक विनोद है तब तक सब है, प्रचार है। पॉइंट समझ में आप क्या थी, लास्ट में कैसा सिंबल रहेगा, इसको एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। दुख को दिखाने के लिए, गम को दिखाने के लिए, खुशी को दिखाने के लिए कौन आता ही बुलाता है आज है ना, खुशी को दिखाने के लिए जैसे करेगा हम लोग तो कैसे दिखाते हैं, माइक माइक करके दिखा देते हैं दुख का वही है ये या पाप की जगह है नहीं था पर सुना बन जाएगा अगला, बन जाएगा सर क्या बना अगला, बन जाएगा यस मतलब क्या दिखेंगे पहले ले से मैं यू गेट सकते कर तुमको सफलता मिले तो बताओ ब्लेस होगा कि कर बह गली आएगा होगा, ये तो गली आएगा तब लगाएंगे कर या तो ब्रेस ब्रेस है ना कर रहा सिलवाते हैं ना ब्रेस उस ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है सीधे क्या लिखेंगे अब मैं को उधर ले जाएगा ना यू में हो जाएगा ना यू कौन पर्सन ऑब्जेक्ट है इसलिए क्वेश्चन आया और तो सब्जेक्ट को देखकर बता देगा यू किसको देखकर नाम अनाउंस करेगा ऑब्जेक्ट है याद रखना तो समय ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो ऑब्जेक्ट मन से ले लेंगे हां ले ले मन से सर। अब यू को कौन सेकंड पर तो ना इसको देखकर आगे नाम करेगा क्या हो जाएगा यहां आई गेट का बी टू गॉड आई गॉट सक्सेस गलती है हाँ कर दिया भाई मैं को हटा दिया ना बस याद है मैं को मैं हटता है मैं का पास ना हो जाता है मैं का पास यहाँ क्या हो जाएगा माइक गेट ना होगा वही हम करें गोट माइक गेट ना मैं को उड़ा दिया उड़ता है कभी पास होता है ना नींदे में हाँ ठीक डाल दें छापो आराम छापो कर दो और पैटी का ये भाई सर एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है ऐसे ही जाता लास्ट में यही ना रहता है लास्ट में देखना तुम समय क्या रहेगा या लास्ट के साथ है इसमें देखो सुना है सुना है यहाँ ले उसके बाद कौन वहाँ से लाकर देखेगा पता है देखो क्या करना है सेट के बदले में एक्सलेंट करना है लास्ट टॉपिक है ठीक बात सेट के बदले में क्या करना है कहना कोशिश को पता एक्सलेंट कर देगा किसमें एक्लामेट्री में इस तरह एक्लामेट्री सेंटेंस तुमको ऐसे करना ऐसे रहेगा लास्ट में वैसे ही ठीक है दूसरा पॉइंट अब जैसे तू लगाते थे उसके लिए विथ लगाना क्या लगाना है सब के साथ अब देखना है क्वेश्चन अगर खुशी की बात है खुश है सुख है तो जॉय लगाएगा और दुख है तो सौरव लगाएगा सुख है तो वही खुशी सुखी है खुशी है तो क्या लगाएगा जॉय जॉय में तो क्या लगाएंगे सौरव अब तुमको आश्चर्य हो गया अरे विनोद है सरप्राइज हो गया दिया गया विनोद एंगर हाँ उसका घृणा हो रहा है तुमको देख करके विनोद नहा सुना के नहीं आया कंटेप करेगा अब अफसोस हो रहा है
पहला गरिया दे दिया क्या हो गया पहले तो बेरोजगार है नए नाच आया तो क्या हो गया उसमें क्या लगाएगा अफसोस होगा ना चलिए ग्रेट ये देख के लगाना पड़ेगा देखो देखो पहला क्वेश्चन है ही सेड अलाफ एनुअल उसने कहा दैया के दैया हम तो बर्बाद हो गए लुट गया बर्बाद हो गया ये बात बोलते हैं तो अलाफ बोला जाता है क्या बोलते हैं अलाफ का मतलब है दैया के दैया विनोद मर गया तो खुशी का बात है कि दुखी का दुखी का ना भाई तो क्या लगाएंगे सौरव सौरव उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट यूज करो लिख दिया यहाँ पे दूसरा पढ़ लिखे ना पॉइंट वही है कैसे कैसे काम करना है उसके बाद अलाफ को उड़ा देना लिखे देखो अलाफ है ओर है आर है पांव चलेगा बोलते ना इसे उड़ जाएगा इसे क्या हो जाएगा अलाफ भी क्या हो जाएगा तुमको अब आई आई कौन पर्सन ऑब्जेक्ट रह जा रहा है ऑब्जेक्ट क्या दिखा देगा ना हाँ अच्छा जो तो लिख रहा हूँ सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन रन दो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा ई जमा का पास क्या होगा वाई यू का लिंग जो हो जाएगा देखो बात साधु बात ये बात वो लिंग जो है हां हो गया थे जवाब देखो इबला देखो इबला जाएगा ना ई नंबर क्या करेंगे बबॉय बना कर सकते हैं अंदर देखते हैं सेम ऊपर वाला पे सेम का देख लो खुशी का बात है कि दुखी का दुखी का बात इसमें क्या कर रहा कर मतलब बिल्ली मर गया कि जा गया मैं बोलेगा माय की माय मेरी के ले द बॉय सेड के एक्सप्लेन वही तो कहा ना खुशी का बात है ना मर गया तो दुखी की बात सर इमारत कमा के बदले डैड अब की तो हो जाएगा ना माय कैट माय कौन पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट पे क्या है दब वो है ना तो क्या करेगा वाई के बदले याद करो कौन है किसका फैमिली ही का फैमिली ना हाँ तो ही वो तो क्या बोले ही नाम क्या माय कैट की जगह के ही कैट की हिज कैट हिज कैट इज है ना इज का पास वाज डेट का डेट दे रहा है ठीक है एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसमें क्या करना सीधा भी करना है तुमको इस क्वेश्चन में क्या करना है सीधा भी करना है तो ही लिखेंगे सेट को क्या करेंगे एक्सप्लेन विथ तरह गजब की लड़की क्या लगता जैसे कैटरीना क्या गुजर रही है तो क्या बोलेगा बाप रे बाप हटगार आ हाँ हटगार यह हाँ क्यों हुआ चला शौक हो जाएगा ना सरप्राइज सरप्राइज उसके इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट अब क्या करें जो वाटर गर्ल है ना सी इसको सीधा करो वाटर गर्ल सीज को सीधा करो और वाट के बदले में वेरी का यूज करना वाट के बदले किसका यूज करेंगे और इसको सीधा करेंगे सीधा करेंगे तो हो जाएगा सी इज ए वाट की जगह पर वेरी हो जाएगा क्या होगा सी इज ए वेरी गर्ल वेरी गर्ल होगा ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा सेंटेंस में मन से भी भरना पड़ेगा तुमको लास्ट टॉपिक में थोड़ा लॉजिक है आराम से बनाना सी सी थर्ड पर्सन सेंटेंस होगा सी वाज ए ब्यूटीफुल कर दो सी वाज ए ब्यूटीफुल अच्छा वेरी भी लगा सकता बुक में वेरी भी लगा गया सिवा जब है यूट्यूब पर देखो वाट का बहुत ही रोल है समझेगा समझो आपसे वाट आता है ना वाट करने का कि दिखा रहा है कि मतलब अच्छा है जैसे बोलते हैं वाव व्हाट अ मार्कर नहीं बोलते हैं अरे वाह क्या मार्कर तो क्या कहने वाला क्या मार्कर है क्या ना मार्कर अच्छा है मतलब व्हाट अ कार मतलब कार है ए कार गजब का है कहां से लाया है एक हमको भी दो ना नहीं
अच्छा हमारे के चार तक कार देंगे तुमका एक तो आपने कैसे कैसे पैसा चुन कर दे हमको भी दे ठीक है पता लगा ना कल का एग्जाम्पल बनाएगा समझ में आ जाएगा ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था अब तुम बस प्रैक्टिस करना है क्या करना है एग्जाम्पल बनाना है और बुक का सॉरी एग्जाम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाना है कहाँ से कहाँ तक तब चेक करेंगे बना के लाया 2009 से लेकर के 2022 तक का नंबर क्या प्लस बुक का एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल आ जाएगा तब ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनेगा तो पहले बुक का एग्जाम्पल बना लेगा तब क्या बनाएगा तो परसों देख रहा है बनाना स्टार्ट कर लेना पहले क्या बना लेगा एग्जाम्पल ये हो कि पूरा जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से वहाँ तक तुम जहाँ बना लिया उसके आगे पूरा कंप्लीट कर लेगा तो कल से चालू कर देंगे अगला चैप्टर जो कहेगा तो